हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वाटलेस करंट। आपने देखा था वाटलेस करंट किसी भी एसी सर्किट में वो करंट होता है जिसकी एवरेज पावर क्या हो, जीरो हो। आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ट्रांसफार्मर आप देखते हैं कि ट्रांसफार्मर बेसिकली वो डिवाइस है जो एसी को एसी में ही बदलता है। तो फिर बदलता क्या है? एसी की वोल्टेज को चेंज कर देता है। क्या नहीं चेंज करता? एसी की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। क्लियर है? यानी यदि मैं ये कहूं, आप ये देखते हैं कि जनरल जो जनरेटिंग स्टेशन है वहां से जैसे 6600 वोल्ट जनरेट हुआ, और हमें पता है कि यदि हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे एसी को ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, यानी जहां ये वो पावर स्टेशन है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, वहां पे जैसे आपने कहा 6600 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है, ये एसी है जो कि लो वोल्ट है। और मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में बताया था कि जो पावर लॉसेज है उसका फॉर्मूला बताया था, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। पावर जो लॉस है, जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हो उसमें कितना लॉसेज ज्यादा होंगे, जितना वोल्टेज कम होगा उतना ही पावर लॉसेज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो पावर लॉसेज से बचने के लिए, यानी रास्ते में ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज कम हो, तो लॉसेज को कम करने के लिए उस वोल्टेज को कैसे वोल्टेज में बदलना जरूरी है, हाई वोल्टेज में बदलना जरूरी है। तो ये वोल्टेज कहां पे आता था? ये आपने कहा जनरेटिंग स्टेशन का वोल्टेज है, जहां जनरेट हो रहा है, जनरेटिंग स्टेशन का वोल्टेज कहा आपने, फिर इसको आप हाई वोल्टेज में बदल दिया। जैसे आपने बदल दिया इसको 132000 वोल्ट में, 11 का मल्टीपल ये है ना, इसमें बदल दिया। अब ये बदलने के बाद में इसको आपने ट्रांसमिट कर दिया। अब ये वोल्टेज यदि ट्रांसमिट करोगे आप, यदि लेके जाओगे तो कहां भी केबल से लेके जा रहे हो, वायर से लेके जा रहे हो, लॉसेज कम होंगे या ज्यादा होंगे? लॉसेज कम होंगे। लॉसेज कम क्यों होंगे? क्योंकि उसका कारण ये है, आपने इसको लो वोल्टेज से किसमें कन्वर्ट कर दिया, किसमें किया, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया। अब यहां आकर के आपको इतना वोल्ट मिल रहा है, फिर से इसको आपने किसमें कन्वर्ट किया, लो वोल्ट में कन्वर्ट किया। ये आपका जनरेटिंग स्टेशन था, जनरेटिंग स्टेशन पे जो जनरेट किया इतना, उसको आपने इतने वोल्ट में यानी हाई वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ फिर ये हाई वोल्ट आया इतना, इसको फिर से आपने, जैसे मैं सब स्टेशन की बात कर रहा हूँ, सब स्टेशन पे जाकर के आपने इसको किसमें कर दिया, इसको कर दिया 11000 वोल्ट में। अब हमें कम कर दिया और कम करना चाहते हैं, सब स्टेशन से जाके कहां पे जाना है, कंज्यूमर्स को जाना है। तो कंज्यूमर्स के पास में जो सप्लाई जाएगी, कंज्यूमर्स मतलब डोमेस्टिक पर्पज के लिए हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कितने वोल्ट की आती है, 220 वोल्ट। फिर कंज्यूमर को जब सप्लाई करेंगे तो यहाँ कितनी वोल्ट देनी पड़ेगी, आपने कहा 220 वोल्ट देनी पड़ेगी। तो यहां से आपको किसमें करना, देखो ये सप्लाई को इस तरह से आपने भेजा, ट्रांसमिट किया एसी का, जनरेटिंग स्टेशन पे कितना था, इतना वोल्ट था, उसको आपने हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया और ट्रांसमिशन लाइन से भेज दिया। फिर सब स्टेशन पे गया, सब स्टेशन इसको क्या करेगा, लो वोल्टेज से फिर से किसमें बदलेगा, हाई वोल्टेज से फिर से कुछ लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, कंज्यूमर्स को। ये कंज्यूमर्स के पास में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या डायरेक्ट ट्रांसमिट करेगा, डायरेक्ट ट्रांसमिट करके और कंज्यूमर उसको किसमें देगा, लो वोल्टेज में, 220 वोल्ट में। तो यहां देखो आपको क्या करनी पड़ेगी, लो से हाई करना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। यहां वोल्टेज को क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है, और यहां वोल्टेज को अगेन क्या करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। सो एक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक रफ आइडिया था कि एसी इलेक्ट्रिसिटी को हम किस तरह से ट्रांसमिट करते हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि यहां देखा जाए तो हमें दो काम करने पड़ रहे हैं, कहीं पे वोल्टेज को बढ़ाना पड़ रहा है, वोल्टेज बढ़ाने को मैं बोलूंगा स्टेप अप करना,
यानी वोल्टेज को हमें क्या करना पड़ रहा है, स्टेप अप करना पड़ रहा है, और कहीं पे हमें वोल्टेज को कम करना पड़ रहा है, कम करने को मैं बोलूंगा स्टेप डाउन। यानी कहीं पर हमें स्टेप अप करना पड़ा और कहीं पर वोल्टेज को हमें स्टेप डाउन करना पड़ा। सो ये जो काम करता है उस डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। सो आज हम कौन से डिवाइस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो हेडिंग लिखिए, टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इज दैट डिवाइस, आप कई बार गलत लिख देते हैं, आप इसका गलत कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता। ध्यान रखिए, कभी भी ट्रांसफॉर्मर ये गलत हो जाएगा नहीं यदि आप ये लिखेंगे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता ना, वो रेक्टिफायर है। ट्रांसफॉर्मर एसी को एसी में ही बदलता है, तो फिर बदलता क्या है, उसके वोल्टेज को बदल देता है। कितने तरह से बदल सकता है वोल्टेज को, या तो कम वोल्टेज को ज्यादा कर दे, या ज्यादा को क्या कर दे, कम कर दे। क्या नहीं चेंज करता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, ये बात माइंड में फीड करिए। सो फर्स्टली हम डिफाइन कर लेते हैं इसको, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। इट इज द डिवाइस विच चेंजेस, ध्यान रखिए डीसी के लिए काम में नहीं लाया जाता, विच चेंजेस द एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। यदि आपसे पूछ लिया जाए ट्रांसफॉर्मर में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अनचेंज रहती है, तो ये ध्यान रखिए, विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ये चेंज नहीं करता। क्लियर होनी चाहिए बात, ट्रांसफॉर्मर है उसमें क्या चेंज नहीं करता, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। एक वो है जो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, उनको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और दूसरे वो है जो वोल्टेज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उनको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है बात, लिखेंगे सबसे पहले आप इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यदि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर है, तो लिख लेते हैं इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो बेसिक प्रिंसिपल, इसका बेसिक प्रिंसिपल यदि आपसे पूछा जाए तो किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या बताएंगे, ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। वैसे ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं, एक होता है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। मैं दोनों की कंस्ट्रक्शन बताता हूं क्या होता है उसमें। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में एक कोर होती है, और कोर जो होती है वो होती है सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स होती है इसमें। आप ये कहें कि एक तरह से हम ये बना दें रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है, रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाएं। सबसे पहले हम ये रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लेते हैं, है ना, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है। किसकी होती है, ये सॉफ्ट आयरन की, जिसको हम बोलते हैं क्या, सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो है ये क्या होती है, रेक्टेंगुलर आयरन की फ्रेम होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, सॉफ्ट आयरन कोर। क्लियर है, देखो ये जो आयरन की फ्रेम है जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट आयरन फ्रेम। अब ये आयरन की ब्लेड्स हैं इस तरह से, स्ट्रिप्स आयरन की, तो इन स्ट्रिप्स को मैं बना देता हूं इस तरह से, एल शेप की आयरन की स्ट्रिप्स होती हैं ये, इस तरह से मैं कुछ लाइंस बना रहा हूं, ये एल शेप की है, और ये आपका 2D डायग्राम की वजह से आपको इस तरह से
नजर आ गया, ये आयरन की है ना, ये आयरन की स्ट्रिप्स हैं। सॉफ्ट आयरन आप समझ गए होंगे इस तरह से। और इस पे क्या होते हैं, कॉपर के वायर्स हैं वो वाउंडेड होते हैं। ये जो है इस पर कॉपर के वायर्स हैं वो बाउंडेड होते हैं। ये तो जो पूरा जो देख रहे थे रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इस तरह की है, यूं समझ गए होंगे आप, इस तरह की फ्रेम है। किसकी फ्रेम है, सॉफ्ट आयरन की। तो ये लाइंस क्यों बनाई हैं, ये लाइंस आप समझ गए होंगे, इस तरह की फ्रेम है, ये इस तरह की फ्रेम है, क्लियर है। ये लाइंस क्यों बनाई, क्योंकि यहां इस तरह की स्लिप्स होती है, किसके आयरन की स्ट्रिप्स होती है इस तरह से वो, और बीच में आपस में क्या होती है, ये इंसुलेटेड होती है। यहां पे कॉपर वायर्स है इस तरह से वाउंडेड होते हैं, इस तरह से यहां पे कॉपर वायर्स वाउंडेड है, और दूसरी साइड इस साइड भी क्या है, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं वो इस पे वाउंडेड होते हैं। इस जहां पे एनर्जी, एसी एनर्जी फीड की जाती है उस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, क्लियर है। यानी जिस कॉइल पे एसी एनर्जी फीड की जाती है इस वाली कॉइल को हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी कॉइल। और जहां से एसी एनर्जी ड्रो की जाती है उस कॉइल को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये जो है ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल। और ये जो देख रहे थे आप, ये जो कहा आपने, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन की कोर है जिस पे बाउंड किया गया है, वो क्या बताया आपने, सॉफ्ट आयरन की कोर है। तो इसको क्या नाम दें, ये जो है ये पूरा ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, क्लियर। अब देखो दूसरा, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसको बोला जाता है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। सिंपल था, क्या थी, एक सॉफ्ट आयरन की रेक्टेंगुलर फ्रेम थी जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, और इस पर दो इंसुलेटेड कॉपर के वायर्स की जो कॉइल हैं वो बाउंडेड हैं, जहां से दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स सेम नहीं होते, ध्यान रखना, एक में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये बात क्लियर है। अब देखो यहां से आप कहें कि यदि हम ये कहें एक कॉमन कोर बना लें, जैसे ये यहां देखो दोनों लिंब हैं, ये एक लिंब और एक ये लिंब, इन दोनों लिंब पे तालापेटी भी है ये, और ये मैं ऐसे बना दूं ये इसको इस तरह से, तो आप ये कहेंगे कि यहां ये लिंब है, ये एक तरह से ये कहें ये पूरा किसका है, सॉफ्ट आयरन का है, ये वाला ये पूरा किसकी है, सॉफ्ट आयरन की कोर है, इस तरह से ये पूरी जो देख रहे हैं आप, ये वाला ये पूरा सॉफ्ट आयरन का है, ये बीच में जो जगह है। अब यदि आप वायर को इस तरह से वाउंड कर दें, इस तरह से एक कॉइल को इस पे वाइंड कर दें ये इस तरह से, और इसको प्राइमरी कॉइल नाम दे दें, और इसी कॉइल पे दूसरी वायर को वाउंड कर दें, और उसको आप कौन सी कॉइल नाम दे दें, सेकेंडरी कॉइल नाम दे दें, इसी तरह से ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल एक कॉमन ही लिंब पर वाउंड कर दी जाए, इस ट्रांसफॉर्मर को बोला जाता है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। सो ये जो ट्रांसफॉर्मर देख रहे हैं ये आपका कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, इसको बोला जाता है कौन सा, आपका कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, है ना। एग्जाम में आता है, यदि कुछ नाम नहीं दिया होता तो यही बनाना, आपको यही बताना है, क्लियर है, कोर टाइप वाला यही बताना आपको। और इस ट्रांसफॉर्मर को वैसे हम कौन सा ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर,
दोनों में जो डिफरेंस देख रहे हो आप, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर और कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहां पे दो सेपरेट लिंब्स पर वाउंडेड है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल बोथ आर वाउंडेड ऑन डिफरेंट लिंब्स, दो अलग अलग जो लिंब्स है उन पे वाउंडेड है। और कोर सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों ही एक कॉमन इस पे वाउंडेड है। क्लियर है? तो फर्स्टली आप इस डायग्राम को बनाएं, फिर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। डायग्राम बनाइए और ये समझ गए होंगे, ये ट्रांसफॉर्मर है, वो डिवाइस है दैट चेंज द एसी वोल्टेज विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, वो डिवाइस जो कि एसी वोल्टेज को चेंज कर दे विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, उसको आपने नाम दिया ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? ट्रांसफॉर्मर में क्या चेंज नहीं होती? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फिर आपने कहा कि ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कितने तरह के होते हैं ये आपने कहा, ये तो कंस्ट्रक्शन वाइज, सेल टाइप और कोर टाइप। सेल टाइप और कोर टाइप में फर्क क्या है? कोर टाइप में क्या होता है, एक फ्रेम होती है रेक्टेंगुलर, और किसकी फ्रेम होती है? सॉफ्ट आयरन की, ये जो देख रहे हैं इसकी दो लिंब हैं, इन पे अलग अलग, एक पे जो प्राइमरी वाइंडिंग वाउंडेड होती है और दूसरे पे सेकेंडरी जो कॉइल है वो वाउंडेड होती है, दोनों ही अलग अलग है। और यदि आप एक कॉमन लिंब लें और एक ये किसकी बनी हुई है, सॉफ्ट आयरन की, ये ध्यान रखें ये सॉफ्ट आयरन कोर है पूरी, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। इसकी कॉमन लिंब होती है, एक ही लिंब पे प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों वाउंडेड होती हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। कर लिया नोट? अब हम बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, इसका जो सैंपल है, सैंपल ट्रांसफॉर्मर का कैसे बनाते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं फिर हम सैंपल की बात करते हैं। वैसे यदि आपने ये नोट कर लिया तो इसका सैंपल भी यही बना लीजिए। इसका जो सैंपल है वो किस तरह से बनाया जाता है? ट्रांसफॉर्मर में दो वाइंडिंग ऐसे देखो, ये वाइंडिंग प्राइमरी दिखा देते हैं और ये दूसरे वाली दिखा देते हैं वाइंडिंग, और दोनों एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड है, यानी इसका फ्लक्स इसमें जाना चाहिए, तो दो लाइन ऐसे खींच देते हैं। ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का सैंपल। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, तो ये भी बना लीजिए। ये क्या होगा, सैंपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का सैंपल। क्लियर है? अब देखो हम बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में कुछ नोट कर लेते हैं, ये लिख दिया। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में डायग्राम तो बना ही लिया आपने। कंस्ट्रक्शन में देखो, यहां पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। दो कॉइल्स होती हैं, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वाउंडेड ऑन टू डिफरेंट कोर्स, है ना, ये यही तो हुआ। तो हम ये कह सकते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में, मैं यहां कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं इसकी, आप कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे यहां पे। और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखें, टू कॉइल्स ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट, कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं आप, इट कंसिस्ट टू कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। इंसुलेटेड कॉपर वायर्स का मतलब क्या हुआ, यानी कॉपर का जो वायर है उस पर जो पॉलिश या कोटिंग की हुई है वो कैसे मटेरियल की है, इंसुलेटेड मटेरियल की है। इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, अलग अलग होने चाहिए, ये ध्यान रखना, सेम नहीं होने चाहिए, ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ, नंबर ऑफ एनो नंबर के लिए लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स वाउंडेड ऑन, वाउंडेड ऑन द सेम, एक ही तो है ये, एक ही तो है, ऑन द सेम
सॉफ्ट आयरन कोर, एक ही आयरन कोर पे बाउंडेड है, उसमें भी एक ही तो थी, आपस में कनेक्टेड ही तो थी, आयरन सेम आयरन कोर पे क्या है, बाउंडेड है। ये बात क्लियर हुई या नहीं? अब आप ये सोच रहे होंगे आयरन कोर ही काम में क्यों लिया, यहां पे कॉपर वायर सी काम में क्यों लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, अपन बात करेंगे इसकी वन बाय वन, सारी की बातें करेंगे। अब देखो यहां पे जहां एसी एनर्जी फीड की जाती है, दी जाती है, उस कॉइल को बोला जाता है प्राइमरी कॉइल, और जहां से एसी एनर्जी ली जाती है उस कॉइल को बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। तो आगे नोट करिए, द कॉइल एट विच एसी एनर्जी इज, एसी एनर्जी इज फीड इज कॉल्ड, कैसी कॉइल बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। कौन सी, यहां से एसी एनर्जी दे रहे हैं तो प्राइमरी कॉइल, और यहां से एनर्जी ले रहे हैं तो ये कौन सी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। एंड द कॉइल वेयर एसी एनर्जी इज ड्रॉन या ली जाए, एसी एनर्जी इज ड्रॉन इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये क्लियर हो गए। अब यहां टाइप्स कितने हैं, वैसे तो मैं स्टेप अप स्टेप डाउन का उसका क्लासिफिकेशन अलग होगा, वैसे यहां यदि हम बात करें ट्रांसफॉर्मर कितने तरह के, दो तरह के, एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो मैं यहां एक ही लिख देता हूं, इन सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बोथ कॉइल्स आर वाउंडेड ऑन टू डिफरेंट लिंब ऑफ ए कोर, कोर तो एक ही है लेकिन उसकी दो अलग अलग जो लिंब है उन पे वाउंडेड है। तो यहां हम कह सकते हैं इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, सेकेंडरी कॉइल्स आर बाउंडेड, ये ऊपर वाला यदि आपने लिख लिया, आर बाउंडेड ऑन टू डिफरेंट आर बाउंडेड ऑन टू डिफरेंट डिफरेंट लिम्स ऑफ ए कोर, कोर तो सेम ही है, कॉमन है, लेकिन उसकी दो अलग अलग जो लिंब है उन पे वाउंडेड है। इन दूसरा ट्रांसफॉर्मर जो बनाया था मैंने साइड में वो कौन था, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, टाइप ट्रांसफॉर्मर बोथ कॉइल्स आर बाउंडेड ऑन ए लिंब, एक ही लिंब पे बाउंडेड होती है, एक दूसरे पे बाउंडेड होती है। क्लियर हो गया। अब ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन थी, अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। देखो वर्किंग सीधी है, आसान है। कैसे, जैसे आप एसी एनर्जी को फीड करोगे, एसी करंट को यहां दोगे प्राइमरी कॉइल में, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। भाई एसी करंट कांस्टेंट है क्या, नहीं है, चेंजिंग करंट है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। और ये फ्लक्स कहां से होता हुआ, इस सॉफ्ट का आयरन से होता हुआ सेकेंडरी में जाएगा, फ्लक्स इधर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में आपको ये बताया था, सॉफ्ट आयरन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस से निकलता है।
तो यहां जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहां से होता हुआ कहां से जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में जाएगा। तो उससे निकलने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। और जब इससे निकलने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। देखो ये कॉइल आपस में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, आप एसी देते हैं यहां और ईएमएफ मिलता है आपको यहां। ट्रांसफॉर्मर में यही तो होता है, दोनों कॉइल्स इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है, दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। आप कहेंगे सर है तो सही है आयरन, ये आयरन है लेकिन इस पे कोटिंग कैसी कर रखी है, इंसुलेटिंग मटेरियल की कर रखी है, क्लियर है। तो आप ये कहें जैसे ही यहां एनर्जी दी जाएगी, एसी करंट फ्लो होगा, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स चेंज होगा और ये जो फ्लक्स है वो कहां से जाएगा, सेकेंडरी से जाएगा। और सेकेंडरी से निकलने वाला जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी को तो हमने क्या नाम दिया था, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमने लास्ट ईएमआई में जो स्टडी किया था वो था क्या, किसी एक कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स है वो चेंज होता है और वो दूसरी कॉइल से भी लिंक करता है, तो उसके पड़ोस में रखी हुई कॉइल में भी क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ, क्लियर है। तो हम इसकी वर्किंग लिख लेते हैं, वर्किंग यदि आपने ये लिख लिया, देखिए अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग पे और फिर बात करेंगे इसके मैथमेटिकल एनालिसिस पे। वर्किंग में आप ये कहें कि एस द एसी करंट, कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू इट चेंजेस, क्योंकि एसी का फ्लक्स क्या नहीं होता, कॉन्स्टेंट नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड यही तो होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, आई चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता था ये भी चेंज होगा, ये बात क्लियर है। यानी ये चेंज होगा, प्राइमरी कॉइल में एसी करंट फ्लो होगा, देन मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू इट चेंजेस दिस फ्लक्स, अब ये चेंजिंग फ्लक्स, दिस फ्लक्स पासेस थ्रू, यहां से होता हुआ, ये फ्लक्स आगे थोड़ी निकल जाएगा, यहां से होता हुआ है ना, पासेस थ्रू सेकेंडरी कॉइल। और फैराडे ने क्या कहा था, यदि कोई से भी कॉइल में निकलने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है ना, वोल्टेज ही तो होता है, इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल है ना, सेकेंडरी कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। अच्छा, सेकेंडरी में जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, सेकेंडरी में जब हम क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने के कारण इसमें भी तो ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, वैसे उस ईएमएफ को बोला जाता है बैक ईएमएफ। यानी इसमें करंट फ्लो हुआ उसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस ईएमएफ के कारण इसमें करंट फ्लो होगा उसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, जिसको टेक्निकली हम बैक ईएमएफ कह सकते हैं। खैर, अब इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, वर्किंग समझ में आ गई होगी। क्या कहा मैंने, जब इससे एसी करंट फ्लो होगा इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, और ये फ्लक्स कहां से जाएगा, सेकेंडरी कॉइल से जाएगा, और ये निकलने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यदि आपको कह दिया जाए डीसी करंट होता तो,
डीसी करंट होता तो निकलने वाला फ्लक्स कांस्टेंट होता, और फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स का क्या होना जरूरी है, चेंज होना जरूरी है। तो डीसी के लिए कभी भी ट्रांसफॉर्मर को काम में नहीं लाया जा सकता, क्लियर है। डीसी के लिए काम में नहीं ला सकते हम ट्रांसफॉर्मर को, एसी के लिए ही काम में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की। मैथमेटिकल एनालिसिस में आपको पता है फैराडे लॉ की बात करूंगा मैं। हम यहां अज्यूम कर लेते हैं कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन पी है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है एन एस है, प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ ई पी है, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ कितना है ई एस है। इस तरह से हम अज्यूम कर लेते हैं। तो इसका मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए लेट हम मान लेते हैं एन पी है ना, एन पी ऐसे लगाइए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और इसी तरह से एन एस क्या मान लें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और इसी तरह से हम क्या मान लें ई पी ई एम एफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल और एन ई एस हम क्या मान लें ई एम एफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, और करंट भी मान लेते हैं प्राइमरी में फ्लो होने वाले करंट को क्या नाम दे दें आई पी, करंट इन प्राइमरी कॉइल और आई एस क्या मान लें करंट इन सेकेंडरी कॉइल, ये हमने मान लिया। अब ये मान लिया, आप देखो यहां हम फैराडे लॉ लगाएंगे, ये नोट कर लीजिए। ये अजम करने के बाद में यहां हम लगाएंगे फैराडे लॉ। देखो फैराडे लॉ क्या कहता है, इंड्यूस ईएमएफ है वो होता है डी फाई एन डी फाई अपॉन डीटी, और लेंज कहता है वो उन सभी कॉजेस का अपोज करता है जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ है। फ्लक्स में चेंज होने के कारण तो इंड्यूस हुआ है वो, तो फ्लक्स में चेंज का क्या करेगा अपोज करेगा। तो अब हम ये कहें फ्रॉम फैराडे लॉ ईएमएफ है वो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ है वो होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डीटी, पढ़ा था ईएमआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फर्स्ट कॉइल के लिए है ना। सो प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या होगा माइनस एनपी डी फाई अपॉन डीटी, दोनों में फ्लक्स निकलने वाला सेम होगा कब, यदि फ्लक्स में कोई लॉस ना हो। और फॉर सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ वो कितना होगा माइनस एन एस डी फाई ओवर डीटी, ये क्या है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल और ये है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। आपके पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू। अब आप यदि इक्वेशन नंबर वन को टू से डिवाइड कर देते हैं, बात क्लियर है, इक्वेशन नंबर वन को किससे डिवाइड कर दें टू से कर दें, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई टू ये आपके पास हो जाएगा ईपी अपॉन ईएस है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी फाई अपॉन डीटी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एनपी अपॉन एनएस, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो आप प्राइमरी के वोल्टेज को वीपी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेकेंडरी को हम वीएस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोल्टेज के केस में है ना। ईएमएफ एक तरह का वोल्ट होता है
तो हम यदि इसको रिप्रेजेंट कर दें, क्या लिख दें इसको, हम लिख दें इसको इंड्यूस ईएमएफ, लॉस नहीं है, तो ईपी को क्या लिख दें, प्राइमरी का वोल्टेज, एंड ईएस को क्या लिख दें, सेकेंडरी का वोल्टेज। तो उस केस में ये आ जाएगा वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस। अच्छा ये तो आ गया, अब मुझे ये बताइए यदि आप ये कहें कि आपको आउटपुट कौन सा वोल्टेज है, सेकेंडरी का आउटपुट कौन सा लेना होता है सेकेंडरी में, थोड़ा सा एक रफ कॉन्सेप्ट यहां तक तो आपको नोट करना ही है, मैं एक रफ कॉन्सेप्ट यहां बता रहा हूं। देखो वीएस की यदि हमें वैल्यू निकालनी है तो वीएस की वैल्यू क्या होगी, एनएस डिवाइडेड बाई एनपी इंटू वीपी। वीपी तो प्राइमरी का वोल्टेज जो आ रहा है, वो वोल्टेज है जो प्राइमरी पे आ रहा है, वो यानी आ रहा है वो, और ये आपको आउटपुट में मिल रहा है वो वोल्टेज है। आउटपुट कहां लिया जाता है, सेकेंडरी पे। ये वोल्टेज इससे ज्यादा कब हो सकता है, जब एनएस की वैल्यू क्या हो, एनपी से ज्यादा हो। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम कौन सा ट्रांसफार्मर बोलते हैं जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, कब, कोई भी ट्रांसफार्मर वोल्टेज कब बढ़ाएगा, जब एनएस की वैल्यू एनपी से ज्यादा है, तो ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, यानी स्टेप अप करेगा। और ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और यदि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम है तो आप वोल्टेज ज्यादा दोगे, ये कम है तो वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये समझे या नहीं समझे, देखो वोल्टेज ये आप जो दे रहे हो वो वोल्टेज है, मान लो आपने 11,000 वोल्ट दिया, 11,000 वोल्ट दिया, और आपको ट्रांसफार्मर कितना देगा, यदि मैंने कहा नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितने हैं, 200 है, और मैंने कहा प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या थे, ज्यादा थे, मान लो 2000 थे, है ना। तो उस केस में आपको आउटपुट वोल्टेज है वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा ये हो जाएगा आपके पास में 1/10 इंटू 11,000, यानी यह मिलेगा 110 वोल्ट। तो वोल्टेज था कितना, 11,000, और आपको मिल रहा कितना है, 110 वोल्ट। वोल्टेज चेंज हुआ या नहीं हुआ, यदि दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम होते तो वोल्टेज चेंज नहीं होता। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और प्राइमरी में ज्यादा है तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स एनएस यानी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स से क्या होते हैं, कम होते हैं, तो और ज्यादा होते हैं तो वो क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो हम लिख लेते हैं यहां पे इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप में सेकेंडरी में ज्यादा होंगी, ध्यान रखो, और स्टेप डाउन में सेकेंडरी में क्या होंगे, कम होंगे। तो यहां दो पॉइंट ये भी लिख लीजिए, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना, नंबर ऑफ या शॉर्ट में लिख दूं, ऐसे मैथमेटिकल वे में लिख दूं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज स्टेप अप में, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा होते सेकेंडरी में, सो इट इंक्रीजेज, ये क्या करता है, इंक्रीज द एसी वोल्टेज। स्टेप अप हमेशा क्या करेगा, एसी वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। दूसरा कहें डाउन वाला, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उल्टा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम होते हैं और प्राइमरी में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये वोल्टेज को क्या करता है, इट डिक्रीजेज एसी वोल्टेज। तो समझ के, ट्रांसफार्मर स्टेप अप क्या होता है और स्टेप डाउन क्या होता है। स्टेप अप वो होता है जो क्या, कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में बदल दे, और स्टेप डाउन वो होता है जो ज्यादा को
कम में ले आए, क्या कॉन्सेप्ट होता है? अच्छा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में इक्वल होगा वो ट्रांसफार्मर हो सकता है क्या? नहीं, वो न तो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा और न ही वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। एसी वोल्टेज चेंज नहीं होगा तो वो क्या ट्रांसफार्मर होगा? नहीं, है ना। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये रिलेशन ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, तो ये भी नोट करिए। अब हम बात करते हैं, यदि ट्रांसफार्मर में कोई पावर लॉस नहीं हो तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मैं करंट में इक्वेशन बनाने के लिए बता रहा हूं ये। मैं ये कहूं अगले, ये तो लिख लिया आपने पॉइंट, अगला पॉइंट, इफ देयर इज नो लॉस इन पावर या पावर लॉस बहुत ही क्या है, कम है, उस केस में क्या होना चाहिए? इनपुट पावर है ना, इनपुट पावर है, इनपुट पावर वो किसके इक्वल होनी चाहिए? आउटपुट पावर के इक्वल होनी चाहिए। इनपुट पावर क्या होती है? इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट, इनपुट साइड वोल्टेज वीपी था और इनपुट साइड करंट क्या था? आईपी। और आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट पावर क्या होगी? पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इनटू करंट ही तो होता है, प्राइमरी का वोल्टेज इनटू प्राइमरी का करंट, ये इनपुट साइड थी, और आउटपुट साइड थी सेकेंडरी का वोल्टेज इनटू सेकेंडरी का करंट। यहां से आप यदि वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है वीपी अपॉन, इसको इधर ले आए, वीएस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आईपी। अब यहां से इसको मैं कंपेयर करता हूं, देखो मैं इससे यूं लिख सकता हूं क्या, यहां से बीपी अपॉन वीएस किसके इक्वल था? एनपी अपॉन एनएस के, और बीपी अपॉन वीएस किसके इक्वल है? आईएस अपॉन आईपी के। करंट में हिसाब देखो अलग है, प्राइमरी में ऊपर भी प्राइमरी वाला वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी के, नीचे सेकेंडरी वाला वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी के, लेकिन करंट में ऊपर, यानी ये उल्टा है, इसको इसके इक्वल रखो या इसके इक्वल, करंट में देखो ऊपर सेकेंडरी का करंट और इन दोनों में ऊपर प्राइमरी का था, तो ये रिलेशन भी हमें हेल्प करेगा। ये रिलेशन ध्यान रख लीजिए, वीपी अपॉन वीएस, एनपी अपॉन एनएस इज इक्वल टू आईएस अपॉन आईपी, आईपी अपॉन आईएस नहीं है ये, है ना। तो ये रिलेशन ध्यान रखिए। अब अपन बात करते हैं, ये ध्यान में रह जाएगा। अच्छा, एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, वैसे तो किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती, मैक्सिमम 95-96% इतनी होती है, क्योंकि लॉसेज होते हैं, उन लॉसेज का अपन डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो, और परसेंट में निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम ये कहें कि एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो, लेकिन परसेंट में निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100। ये उसका एफिशिएंसी के लिए क्या होगा, फॉर्मूला होगा। किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है इसको, एटा से। ये बात क्लियर होगी, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेज की, और वो लॉसेज होते हैं तो उनको किस तरह से अपन रिड्यूस करते हैं, क्लियर है। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, लिखिए इसको, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, कि कौन कौन से लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर में, उनकी बात करने वाले हैं अपन। तो आपके टॉपिक का नाम है लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेज हैं। मैं वन बाय वन करके एक एक की बात कर रहा हूं। फर्स्टली मैं बात कर रहा हूं कॉपर
लॉस। कौन सा लॉस है? कॉपर लॉस। आप जानते हैं कि कॉपर वायर हमने इसलिए चूज किया था, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, गुड कंडक्टर है। वैसे सब बेस्ट कंडक्टर हम सिल्वर को, सिल्वर की कॉस्ट ज्यादा होने के कारण हम क्या लेते हैं? कॉपर लेते हैं। अच्छा कंडक्टर है ये भी, लेकिन कंडक्टर है लेकिन रेजिस्टेंस तो इसका भी क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। और रेजिस्टेंस जीरो नहीं है तो हीटिंग इफेक्ट के कारण ये हीट प्रोड्यूस करेगा आई स्क्वायर आर टी। क्योंकि रेजिस्टेंस यदि है तो क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। करंट वाले फॉर्मूला में मैंने हीट का फॉर्मूला यही बताया था, जिसका रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस से करंट पास होता है तो वह करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है? हीट। हीटिंग इफेक्ट यही है करंट का। तो ये हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट कोई कहां से आई है? कोई क्रिएट थोड़ी हुई है, कोई सन से थोड़ी आई है, हा? किसी बर्नर से थोड़ी आई है। हीट कहां से प्रोड्यूस हो रही है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है वही किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है? हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो ये लॉस किसका है? हीट की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही तो लॉस है। इस लॉस को अपन बोलते हैं क्या? कॉपर लॉस। सो व्हाट इज कॉपर लॉस? कॉपर लॉस को हम कह सकते हैं इट इज द लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आगे साथ साथ नोट करते जाएं। लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट बिकॉज ऑफ द, किसके कारण? बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर के रेजिस्टेंस के कारण, अब यहां हिंट में ये भी लिख लें क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। इसके कारण तो इसको मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं? रेजिस्टेंस कम करके। और रेजिस्टेंस कम, वैसे ही हमने कॉपर चूज किया था क्योंकि रेजिस्टेंस कम होता है। और कम कैसे कर सकते हैं? जैसे कॉपर के वायर की थिकनेस ज्यादा बढ़ जाएगी, थिकनेस ज्यादा बढ़ने से क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाएगा? ज्यादा बढ़ जाएगा। और एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस हम जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले आप थिन वायर काम में ले रहे थे और अब आप कैसे वायर काम में लें? थिक वायर काम में लें। थिक वायर का एरिया ज्यादा होगा और एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीट क्या होगी? अब वो कम प्रोड्यूस होगी। सो हम किस तरह से इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं उस पे हम बात करते हैं, यानी ये कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? इट कैन बी मिनिमाइज्ड, या इट कैन बी, या दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड, दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज कर सकते हैं इसको बाय यूजिंग थिक कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर। इस लॉस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं क्या काम में लेकर के? थिक कॉपर वायर को काम में लेकर के, ये ध्यान रखिए। क्यों? यहां मैं हिंट लिख देता हूं क्या, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात ध्यान में रह जाएगी। नेक्स्ट जो लॉस है, सेकंड लॉस, उसकी बात करते हैं। वो लॉस है एडी करंट लॉस, क्लियर है? नेक्स्ट जो लॉस है वो है अपना एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस है क्या, इसकी बात करते हैं अपन। एडी करंट लॉस, या इसको आयरन लॉस भी कह देते हैं हम। देखो, आपने कहा कि जो सॉफ्ट आयरन की कोर है वो कहां रखी हुई है? वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, क्योंकि एसी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होता है या चेंजिंग होता है? चेंजिंग। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक करंट। और करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एडी करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। इसको बोला जाता है एडी करंट लॉस।
तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज द लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज द लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट बिकॉज ऑफ द, बिकॉज ऑफ द एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन द, प्रोड्यूस्ड इन द कोर, कोर में एडी करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको। अब इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कोर कैसी काम में ले आप, लेमिनेटेड कोर काम में लेकर के, या कोर को आप कट कर दे स्लोट्स में, तो हम ये कह सकते हैं दिस कैन बी मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लेमिनेटेड कोर, लेमिनेशन वाली कोर, लेमिनेटेड यानी इंसुलेटेड मटेरियल का लेमिनेशन करें, लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड कोर को काम में लेकर के इसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नोट करिए, फिर आगे वाला और लिखिए, नोट डाउन, इसको नोट करें। देखिए यदि आप नोट कर लिया तो अब बात करते हैं थर्ड पे। थर्ड जो है वो बोलते हैं उसको हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब है लॉस इन एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। कि देखो आपने सॉफ्ट आयरन की जो कोर काम में ले रखी है वो क्या होगी, मैग्नेटाइज्ड होगी और फिर क्या होगी, डीमैग्नेटाइज्ड होगी, क्योंकि बार बार करंट की डायरेक्शन, मैंने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बताया था जब करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो तो ऐसे मैग्नेटाइज्ड हो रही थी, जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होने से वो डोमेन्स पहले इस डायरेक्शन में थे अब इस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे यानी वो मटेरियल क्या होगी, डीमैग्नेटाइज्ड होगी। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हिस्टेरेसिस लॉस। नेक्स्ट जो लॉस है थर्ड वो क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस है ना, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में बताए थे आपको ये। ये क्या होता है, इट इज द लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लॉस इन एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, कोर के मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण लॉस होता है, उसको हम कौन सा लॉस कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ध्यान हो आपको वहां पे फॉर्मूला आया था VAN, जो लॉस था VAN, V वॉल्यूम था, ABH कर्व या हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया था, और N था नंबर ऑफ साइकिल, है ना, एसी के एक साइकिल है तो ये N की वैल्यू 1 होगी इस तरह से। तो इसके लिए आपने देखा था जिसका हिस्टेरेसिस, जो हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया जितना कम होगा उतना ही लॉस क्या होगा, कम होगा। वहां आपने देखा था स्टील के लिए और आयरन के लिए दोनों में जो एरिया था कौन से के बीएच कर्व का एरिया कम था, आयरन का एरिया क्या था, कम था। तो आयरन में जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। सॉफ्ट आयरन का बीएच कर्व का एरिया ज्यादा था तो सॉफ्ट स्टील का, स्टील में जो हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, दीज लॉसेस या हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड, कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग कैसी मटेरियल, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल एज कोर। कोर बनाने में कैसी मटेरियल काम में लें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं आयरन,
अब आप समझ गए होंगे आयरन काम में क्यों लेते हैं, क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसका BH का आयरन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे लें, आयरन एज एन कोर, कोर की जगह आयरन काम में लें, क्योंकि आयरन का जो ए है BH कर्व का एरिया वो कम होता है, और एरिया कम होगा तो वहां उस चैप्टर में आपने देखा था लॉसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट जो लॉस है जिसको अपन बोलते हैं फ्लक्स लीकेज लॉस, फोर्थ जो लॉस की बात कर रहा हूं मैं वो कौन सा लॉस है, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स लीकेज लॉस बोलते हैं। हमें पता है कि प्राइमरी से, जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर देखा ये इस तरह से, ये प्राइमरी कॉइल थी और ये सेकेंडरी कॉइल थी, तो यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स है कंप्लीटली यहां आ जाएगा, या कुछ फ्लक्स एआर में भी रह जाएगा, यहां बीच में गैप था उसमें भी गैप में भी रह जाएगा, यानी यहां से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा था सारा का सारा फ्लक्स कहां से नहीं निकल पाता, यहां से नहीं निकल पाता, तो इस लॉस को क्या बोला जाता है, फ्लक्स लॉस। तो फ्लक्स लॉस को हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स लॉस को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी कॉइल, द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी कॉइल क्या नहीं होता, डज नॉट फुली पूरी तरह से पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, है ना। ऐसे लॉस को क्या बोला जाता है, फ्लक्स लॉस। वैसे आयरन एक गुड कंडक्टर है फ्लक्स का, लेकिन आयरन में भी बीच में गैप रह जाता है, वहां पे जो पट्टियां लगा रखी थी आपने उनमें, तो इसको हम कैसे करें, जैसे आपने मैंने जो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर बताया था इस तरह का, उसमें कोर टाइप में उसमें आपने ये देखा था कि दोनों प्राइमरी और वाइंडिंग और सेकेंडरी दोनों एक पे वाइंड कर रहे थे, तो दोनों को कॉमन, यहां जहां पे प्राइमरी वाउंड कर रहे हो उस पे ही कौन सी वाइंडिंग कर दो, सेकेंडरी वाइंड कर दो, दोनों को कॉमन कर दो, है ना। तो इस लॉस को क्या किया जा सकता है, कम, प्राइमरी से जितना फ्लक्स निकल रहा था सारा का सारा कहां से निकलेगा, सेकेंडरी में, तो ये हम कह सकते हैं दिस लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय वाइंडिंग बोथ कॉइल्स ऑन ईच अदर, दोनों कॉइल को एक दूसरे पर बाउंड करके कर सकते हो। यदि मैं रफली बताऊं आपको, जैसे आपने ये कहा कोर टाइप में मैंने बताया था ना आपको कि ये ट्रांसफॉर्मर है जैसे, है ना, और ये यहां आपको ये बताया था, ये क्या थी, सॉफ्ट आयरन की कोर थी, है ना, और इसमें आप क्या कर रहे थे, दो वाइंडिंग इस पे लपेट रहे थे वायर्स ऐसे, और इसी पे आप दूसरे वायर भी इस तरह से बाउंड कर दो इस तरह से, तो देखो इससे निकलने वाला फ्लक्स सारा इससे भी निकलेगा, है ना। तो इस लॉसेज को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। एक हमिंग साउंड लॉस भी होता है, हमिंग लॉस जिसको कहते हैं HUNNING हमिंग लॉस, ये वैसे है नहीं कुछ बुक्स में, गिवन होता है कहीं कहीं पे, तो ये क्या होता है, लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड। जैसे कई बार ट्रांसफॉर्मर आप देखते हैं साउंड प्रोड्यूस करता है ट्रांसफॉर्मर, बड़े जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनके पास में जाते हैं तो आपको ये लगता है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड आती है एक आवाज, तो वो आवाज साउंड कहां से क्रिएट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही किस में बदल रही है, साउंड में, और उस लॉस को बोला जाता है हमिंग लॉस, HUNNING हमिंग लॉस, यानी लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमिंग लॉस क्या होता है, लॉस इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड। तो ऐसे आप ये लॉसेज ही ध्यान रखिए, जो फोर लॉसेज है वो ही आपकी जो टेक्स्ट बुक्स में जो गिवन होते हैं वो। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स को कहां कहां काम में लाया जाता है, क्लियर। जैसे आप देखते हैं ट्रांसफॉर्मर पावर हाउसेज में देखे होंगे, देखते हैं बाहर भी देखते हैं हमें पावर लाइन जहां भी है वहां ट्रांसफॉर्मर को देखने को मिलता है,
तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम मिलाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए क्या काम में लिए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मर काम में लिए जाते हैं। तो अब हम लिखेंगे यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या यूजेज हैं। तो यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, पहला, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के यूजेज, यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। पहला यूज क्या हो गया, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कैसी एनर्जी, एसी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपने और भी छोटे ट्रांसफॉर्मर देखे होंगे, कहां, टीवी में भी होते हैं, है ना, स्टेबलाइजर में भी देखे होंगे आपने, वोल्टेज रेगुलेटर्स में भी देखे होंगे, लाउड स्पीकर में भी देखे होंगे। ये भी तो क्या है, यूज ही है इनका। तो इन वोल्टेज रेगुलेटर, है ना, इन वोल्टेज रेगुलेटर्स ऑफ टीवी, है ना, लाउड स्पीकर या रेफ्रिजरेटर, है ना, कंप्यूटर, इन सभी के किसमें, वोल्टेज रेगुलेटर में। और इनमें भी होता है, जैसे आप देखिए रेडियो रिसीवर में भी ट्रांसफॉर्मर, टेलीफोन में भी ट्रांसफॉर्मर, है ना, लाउड स्पीकर, इन सभी में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर। स्टेबलाइजर में भी होता है, स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई करने में, रेगुलर पावर सप्लाई करने में। तो नेक्स्ट हम कह सकते हैं, है ना, इन स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई इनमें भी क्या काम में लिया जाता है, ट्रांसफॉर्मर काम में लिया जाता है। तो यूजेज हम जहां भी जिस भी सर्किट में देखते हैं, मोस्ट ऑफ सर्किट में हमें ये लगता है कि इसमें भी क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। मेरे पास भी एक सर्किट पड़ा हो, आपको दिखाऊं, है, देखो। तो ये है इसके ट्रांसफॉर्मर की क्या यूजेज, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्या। एक तो चौक कॉइल है, अभी जो हमें बचा हुआ है इसमें आरबीएससी के हिसाब से, एक चौक कॉइल है और एक क्या है, मेटल डिटेक्टर, वो मैं अभी करवा रहा हूं आपको, छोटे छोटे टॉपिक है। उसके बाद में आरबीएससी का तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, सीबीएसई का 20 और 25 मिनट्स का एक और है टॉपिक, तो ये लेक्चर ज्यादा हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो अपलोड करूंगा उस लेक्चर में इंक्लूड कर रहा हूँ एलसी ऑक्सीडेशन। तो फर्स्टली हम इसको कवर कर लेते हैं, क्या चौक कॉइल, चौक कॉइल क्या होती है। सो इसको तो आप लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौक कॉइल, देखी होगी आपने ट्यूब लाइट में चौक लगी हुई होती है, लैंप वगैरह में भी होती है। ये चौक कॉइल होती क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, चौक कॉइल, ये एक तरह की कॉइल ही होती है। टॉपिक का नाम है चौक कॉइल, ये एक कॉइल ही होती है जिसकी कैसे बनाई जाती है, सॉफ्ट आयरन की जो कोर होती है उस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को वाइंड अप कर दिया जाता है, इस तरह से लपेट दिया जाता है। इस तरह से वाइंड अप करने का क्या फायदा हुआ, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस तो क्या होता है, बहुत कम, यानी उसका रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल होना चाहिए, और इंडक्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए, ताकि इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो फाई की वैल्यू, रेजिस्टेंस जीरो होगा और इंडक्टेंस ज्यादा होगा तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए फाई की वैल्यू यानी वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90,
और i की वैल्यू 90 होगी तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा 0, तो पावर कंज्यूम नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम नहीं करेगी, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि उसका क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखें तो एसी को कंट्रोल करेगी क्योंकि उसका इंपीडेंस है वो हाई होगी, इंपीडेंस का यही फॉर्मूला था, इंडक्टेंस ज्यादा होने के कारण उसकी इंपीडेंस या रिएक्टेंस है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एल ज्यादा है तो रिएक्टेंस ज्यादा होगी, और रिएक्टेंस ज्यादा हुआ तो करंट क्या होगा, कम होगा, रिएक्टेंस करंट का क्या करती है, अपोज करती है, तो इससे एसी करंट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इसका वही काम है जो रियोस्टेट का होता है। रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट करता है डीसी करंट को कम, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है करंट उतना ही क्या हो जाएगा, कम। लेकिन रियोस्टेट का नेगेटिव पॉइंट था कि रेजिस्टेंस के कारण वहां क्या प्रोड्यूस होती थी, हीट प्रोड्यूस होती थी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में जाती थी, हीट की फॉर्म में जाती थी। यहां जो हीट की फॉर्म में हीट जनरेट ही नहीं होगी, हीट जनरेट क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस नहीं है, इंपीडेंस यानी रिएक्टेंस है, प्योर इंडक्टर का क्या नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए जो काम में लेते हैं उस कॉइल को हम क्या कहते हैं, चौक कॉइल कहते हैं। क्लियर है, बेसिक प्रिंसिपल सेल्फ इंडक्टेंस पे बेस्ड है ये। सो अब लिख लेते हैं इसके बारे में, छोटा सा टॉपिक है, कई बार वन मार्क्स में यदि क्वेश्चन आ जाए तो, है ना, आ जाए तो हम किस तरह से लिखेंगे, चौक कॉइल हैव लार्ज इंडक्टेंस, इट इज द कॉइल, इट इज द कॉइल हैविंग हाई, जिसकी वेरी हाई, हैविंग वेरी हाई इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या होती है, एल, है ना, इंडक्टेंस यानी एल, एंड नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। इसको कैसे बनाया जाता है, इट इज मेड बाई वाउंडिंग द, वाउंड मतलब लपेट करके, वाउंडिंग द इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, इंसुलेटेड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कॉपर वायर पे जो कोटिंग कर रखी है वो कैसे मटेरियल की है, इंसुलेटिंग मटेरियल की, इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। अब देखो एज रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, एज रेजिस्टेंस is negligible, so and inductance is high, so phi की जो value है वो कितनी होगी, बहुत 90 के करीब होगी, 90 नहीं होगी तो 90 के करीब होगी, और 90 कब होगी, यदि रेजिस्टेंस नेगलिजिबल की जगह पे क्या हो जाए, जीरो, लेकिन जीरो तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वैल्यू भी हाई होगी यानी 90 के करीब हो जाएगा, और कॉस 90 के करीब जब वैल्यू होती है, सो कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई यानी कॉस 90 और उसके 90 के आसपास पर कॉस की वैल्यू लगभग कितनी होती है, जीरो होती है। सो पावर लॉसेज will be also negligible, पावर जो लॉसेज है वो भी क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, यानी कोई किसी तरह का क्या नहीं होगा, इसमें पावर लॉस नहीं होगा। तो ये क्या करता है, एल ज्यादा होने के रिएक्टेंस कॉइल की रिएक्टेंस क्या होती है, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, एल ज्यादा होने से रिएक्टेंस भी क्या होगी, विल बी मोर, रिएक्टेंस ज्यादा होगी, रिएक्टेंस ज्यादा होगी तो देखो, सो इट इज यूज्ड
क्या करने के लिए, टू रिड्यूस द यूज्ड इन एसी सर्किट्स, टू रिड्यूस द करंट, करंट को रिड्यूस करने के लिए एसी सर्किट में इसको काम में लाया जाता है। ये समझ गए होंगे, यानी सेम वही काम है जो डीसी सर्किट में रियोस्टेट का काम था। यहां रियोस्टेट हम क्यों नहीं काम में लेना चाहते, क्योंकि रियोस्टेट लगाएंगे तो क्या होगा, रियोस्टेट लगाने का हमें नतीजा ये भुगतना पड़ेगा, उसका रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉसेज होंगे, किसके फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, कंट्रोल तो वो भी कर देगा। तो यहां ये लगाएंगे तो उसका रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस भी करंट का क्या करता है, अपोज करता है एसी करंट का, है ना, तो करंट भी कम हो जाएगा और पावर लॉसेज भी नहीं होंगे, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप कहें क्या इसको डीसी के लिए काम में ले सकते हैं, नहीं, कभी डीसी के लिए काम में नहीं लाया जा सकता। मैंने बताया था इंडक्टर डीसी के लिए एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है, उसको रोकता नहीं है, उसको जाने देता है, बताया था ना, इंडक्टर डीसी को अलाउ करता है, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। तो डीसी के लिए इसको काम में नहीं ला सकते, इसको सिर्फ चोक कॉइल को किसके काम में लाया जाता है, एसी के ही काम में लाया जाता है। अब इसके जो यूजेस की बात करें मैं, यूजेस कहां पर है, ट्यूबलाइट्स में, है ना, लैंप्स में, है ना, इनमें क्या होते हैं, इनके यूजेस होते हैं। सो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं किसकी, मेटल डिटेक्टर की। नोट करिए इसे, नोट डाउन। सो नोट कर लिया, तो अब बात करते हैं अपन मेटल डिटेक्टर की। मेटल डिटेक्टर क्या होता है ये देखिए, टॉपिक का नाम है मेटल डिटेक्टर, यानी आप जब मेटल डिटेक्टर से पास होंगे, जाएंगे पास से, और आपके पॉकेट में मान लीजिए मेटल है, आपके पास मेटल है, तो वो मेटल डिटेक्टर साउंड करने लग जाएगा और आपको ये बताएगा कि आपके पास में मेटल है, यानी मेटल को डिटेक्ट करने की जो डिवाइस है उसको हम क्या कहते हैं, मेटल डिटेक्टर। तो मेटल जो डिटेक्टर है, मेटल डिटेक्टर, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस, किस पे बेस्ड है, रेजोनेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये मैं जो समझा रहा हूं ये नहीं नोट करना, आपको थ्योरी नोट करनी है। देखिए रेजोनेंस का प्रिंसिपल होता है XL equals to XC। अब मेटल डिटेक्टर से जाने का मतलब है आप एक कॉइल से जा रहे हैं, मेटल डिटेक्टर में क्या होती है, एक कॉइल होती है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। आप मेटल डिटेक्टर के पास से जा रहे हैं, इसका मतलब आप कहां से जा रहे हैं, एक कॉइल से होते हुए जा रहे हैं, क्लियर है। और वो कॉइल किससे कनेक्टेड होती है, एक कैपेसिटर से कनेक्टेड होती है, और ये कंडीशन होती है इसकी एक्सएल और इसकी एक्ससी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये कंडीशन। लेकिन जैसे ही आप जाएंगे, आपके पॉकेट में मेटल होगी, तो मेटल की वजह से मीडियम चेंज हो गया ना यहाँ पे, और मीडियम चेंज हो गया तो इसकी इंडक्टेंस आपने ऐसे देखी थी म्यू नॉट पे डिपेंड करती थी, म्यू नॉट परमेबिलिटी थी मीडियम की, मेटल की परमेबिलिटी चेंज होने से इसकी इंडक्टेंस क्या हुई, चेंज हुई, और इंडक्टेंस चेंज होने से इसकी एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल पे डिपेंड, एल पे डिपेंड करती है, वो चेंज होगी, और एक्सएल की वैल्यू चेंज होने से अब ये रेजोनेंस में नहीं रहेगा, और रेजोनेंस में नहीं रहेगा तो इससे फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम नहीं होगा, उसमें चेंज आएगा, और करंट में चेंज आते ही डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा कि करंट में चेंज आया है, जरूर इसका मतलब कोई भी पर्सन यहां से पास होगा और उसके पास मेटल, तो इसकी क्या चेंज होगी, इंडक्टेंस चेंज होगी, क्योंकि परमेबिलिटी चेंज होगी, मेटल जा रही है यहां से तो मीडियम मेटल हो गया ना, और मेटल चेंज होने से इंडक्टेंस चेंज होगी, इंडक्टेंस चेंज होने से इंडक्टर की एक्सएल चेंज होगी, एक्सएल चेंज होने से एक्सी तो फिक्स है, ये चेंज हो जाएगी, पहले इक्वल्स टू वाली कंडीशन थी, अब नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन आ जाएगी,
और नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन आ जाएगी, पहले फ्लो होने वाला करंट क्या था मैक्सिमम, अब करंट में चेंज आएगा और करंट में चेंज आते ही वहां क्या प्रोड्यूस होने लगती है, साउंड प्रोड्यूस होने लगती है और आपको ये पता लग जाता है उनको कि इसकी पॉकेट में क्या है, मेटल है। ये मेटल डिटेक्टर का प्रिंसिपल है। सो मेटल डिटेक्टर को हम किस तरह से यदि पूछा जाए वन मार्क्स में तो किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से कह सकते हैं, when we walk through a metal detector, कहां से जा रहे हैं हम, मेटल डिटेक्टर से, इनफैक्ट यानी वास्तव में हम कहां से जा रहे होते हैं, तब इनफैक्ट वी आर पासिंग उस टाइम थ्रो ए कॉइल, कहां से जा रहे होते हैं, थ्रो ए कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर so that it is in कौन सी कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में हो, और रेजोनेंस कंडीशन में होगी तो इससे फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इफ वी पास थ्रू वे, या फिर कह सकते हैं हमारे पॉकेट में क्या हो, मेटल हो, वी हैव मेटल इन आवर पॉकेट हमारी पॉकेट में क्या हो, मेटल हो इन आवर पॉकेट, देन इंपीडेंस ऑफ कॉइल यानी एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता था, ओमेगा एल होता था ना, वो ये लिखना चाहो तो नहीं लिखो तो ये छोड़ो, चेंजेस वो क्या होगी, चेंज होगी, so there will be change in the current, है ना, and due to change it produced, क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड, और पता लग जाता है कि इसके पास में, इसकी पॉकेट में क्या है, मेटल है। तो इस तरह से मेटल डिटेक्टर से मेटल के बारे में पता लगा सकते हैं। किस पर बेस्ड है ये, रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, नोट कर लीजिए इसको, नोट डाउन।